हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इनसाइड लॉ। मैं रितान्या त्यागी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस 1, जो कि सेमेस्टर 1 का पार्ट है, उसकी यूनिट 2 को। यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यूनिट 2 के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। पहला पार्ट बात करता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की, जिसके अंदर आइडियोलॉजीज हैं लिबरलिज्म, सोशलिज्म, यूटिलिज्म, गांधीज्म, सर्वोदया एंड मार्क्सिज्म। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो है वो करता है सोवरेनिटी की बात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को। तो उसमें जो फर्स्ट PYQ हमें मिलता है वो मिलता है व्हाट इज लिबरलिज्म, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। तो जो लिबरलिज्म है उसकी डेफिनेशन जॉन लॉक देते हैं, जो बोलते हैं लिबरलिज्म इज द आइडियोलॉजी दैट एम्फसाइजेस द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लाइफ लिबर्टीज, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड द रूल ऑफ लॉ, रूटेड इन द बिलीव दैट इंडिविजुअल्स आर रेशनल बीइंग केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन डिसीजंस। ठीक है, तो जो जॉन लॉक बात करते हैं लिबरलिज्म का, मतलब ये है कि हर इंसान अपनी खुद में ही समर्थ, एक तरीके से वो खुद अपने डिसीजंस ले सकता है। ऑफकोर्स एक्सेप्शंस इस चीज के भी हैं कि कोई अगर अनस्टेबल है या अनसाउंड माइंड का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हाँ, अगर आप साउंड माइंड के एक प्रॉपर एडल्ट हैं तो आप लिबरल हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, आप अपनी लिबर्टी, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको लिबरलिज्म बोलते हैं। लिबरलिज्म दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल एंड मॉडर्न। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है द गवर्नमेंट्स रोल इज लिमिटेड टू इंश्योरिंग पीस एंड सिक्योरिटी। जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो बात करता है गवर्नमेंट इंटरवेंशंस की, इसका मतलब है कि टू इंश्योर सोशल वेलफेयर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब होना चाहिए तभी आप एक लिबरल इंसान कहलाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका, राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म को कार्ल मार्क्स ने डिफाइन करा है। अगर आप मेरी सोशियोलॉजी की वीडियोस देख के आ रहे हैं तो कार्ल मार्क्स का नाम तो आपको ऐसे दिमाग में रट ही गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी मेजर रोल प्ले किया हुआ है इन्होंने, काफी ही ज्यादा इनकी डेफिनेशंस हैं, थियोरीज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लाइक ओके, तो सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पीपल कलेक्टिवली और थ्रू द स्टेट टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी एंड प्रमोट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सोशलिज्म ये बात करता है कि जो भी पॉलिटिकली इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रही है या फिर कोई भी उसको ओन कर रहा है, वो पीपल के, मतलब जो पीपल हैं उनके अकॉर्डिंग ही कंट्रोल होना चाहिए, है ना। इससे इनइक्वालिटी कम होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। क्योंकि आप जब, आपने पढ़ा भी होगा कि एक टर्म होती है कि हाँ, आप बोलोगे कि यार ये जो कंट्री है ना, ये सोशलिज्म को प्रमोट करती है ना। दैट मीन्स कि उन्होंने ये बोला भाई कि जो आपका काम है ना वो आप खुद करोगे, खुद गवर्न करोगे, खुद अर्न करोगे, दैट मीन्स सोशलिज्म। सोशलिज्म दो तरीके के होता है, एक तो डेमोक्रेटिक एंड मार्क्सिस्ट। तो जो डेमोक्रेटिक होता है वो बोलता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस विद सोशलिस्ट पॉलिसीज लाइक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर प्रोग्राम्स, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज वाइल मेंटेनिंग पॉलिटिकल फ्रीडम। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है जो इंडिया में है। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म होता है कि जो क्लास स्ट्रगल की बात करता है, ये बोलता है कि जो कैपिटलिज्म सिस्टम है उसको हटाओ, है ना, जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाओ, सबको इक्वालिटी दो, और जो वर्किंग क्लास है ना, जो क्लास काम कर रही है उसको तुम प्रायोरिटी दो, उन लोगों को प्रोडक्शन करने दो, उन लोगों को सब कुछ ध्यान देने दो, क्योंकि वो ज्यादा जानते हैं, वो काम कर रहे हैं। अब इसमें रिमेनिंग जो है ना वो ये है, पहला आता है यूटिलिटेरियनिज्म, सेकंड आता है गांधीज्म, थर्ड है सर्वोदया, देन फोर्थ है मार्क्सिज्म। तो जो यूटिलिज्म है वो जेरेमी बेंथम ने दी है। अगर तुमको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो ये हम जूरिसप्रूडेंस में पढ़ेंगे, आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे नेचुरल लॉ स्कूल में। अगर तुम चाहो तो इसकी वीडियो देख सकते हो।
है ना। तो ये बोलता है कि जो यूटिज्म है उसमें हर चीज में ना ये मैक्सिमम यूटिलिटी की बात करते हैं, मतलब भाई जो भी तुम्हें करना है जो भी हो सकता है ना मैक्सिमम करो, लाइक ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर मिलने चाहिए लोगों को ये। बट वही बात है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हें कोई बार बार हंसाने के लिए गुदगुदी करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो उसके बाद तुम्हें दर्द और इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है ना। अब ज्यादा हंसी भी नहीं झेलती, दर्द करता है गालों पे भी। तो हर चीज ग्रेटेस्ट जो है वो नहीं चल सकती। इसीलिए गांधीज्म जो है वो महात्मा गांधी ने दी है, वो बोलते हैं, जो आप लोगों को पता होगा सुनते ही आते स्टार्टिंग से, कि जो गांधी की फिलॉसफी है वो तीन चीजों पे काम करती है। पहला अहिंसा, देन सत्य, उसके बाद स्वराज, यानी कि आप नॉन वायलेंस, ट्रूथ और सेल्फ रिलायंस पे फोकस करिए। जो आपके मोरल और एथिक्स हैं, जो आपके मोरल और एथिक्स हैं, आप उन पे फोकस करो, उनसे अच्छी तरीके से रहो, तो आप अच्छी लाइफ जियोगे। जो सर्वोदय है वो विनोबा भावे ने कहा है। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी है उसमें आपको इक्वेलिटीबली अमंग ऑल, यानी कि सबको इक्वली ट्रीट करो, सबको इक्वली ट्रीट करो, नो मैटर व्हाट एवर। अगर आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे तो वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी होगा ही होगा, है ना। और जो मार्क्सिज्म थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स ने दी है, ये हम पहले भी पढ़ लिया, हमने सोशलिज्म में भी हमने देखा है। इसमें भी यही बात है कि जो वर्किंग क्लास है आप उनको प्रमोट करिए, यानी कि कैपिटलिस्ट को नहीं करिए। ओके, अब देखते हैं हम सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी में पीवाई क्यों आया हुआ, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी एंड मेंशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, जो सॉवरेनिटी है वो जीन बॉर्डन बोलते हैं कि सॉवरेनिटी इज एन एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ व्हिच इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी हायर अथॉरिटी, बी इट डिवाइन और ह्यूमन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेजिस्लेटिव का मतलब हमारा होता है पार्लियामेंट से, एग्जीक्यूटिव से हमारा मतलब है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं लॉस को। उसके बाद जुडिशियल में आती है जुडिशरी, कोर्ट्स वगैरह, है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो वो ये बोलते हैं कि सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि आपके पास सुप्रीम पावर है, इनसाइड या आउट, आपके ऊपर किसी की भी अथॉरिटी नहीं है, आप अपने आप में ही एक अथॉरिटी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी क्या है, एब्सोल्यूट होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, एक्सक्लूसिव होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इनेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिविजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक, और उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो आया हुआ है कॉन्सेप्ट है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। इस पे पीवाई क्यों आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एंड लीगल सॉवरेनिटी। तो जो लीगल सॉवरेनिटी है वो एवी डाइसी ये बोलते हैं कि लीगल सॉवरेनिटी का मतलब है कि आपका जो लीगल सिस्टम है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, मतलब उसके ऊपर भी किसी और अथॉरिटी का एक तरीके से सुपरविजन नहीं है, है ना। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमको इंडिया में यही बोलता है कि जो हमारे यहाँ का लीगल सिस्टम है उसके ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, और उस अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो अपने आप लॉज बनाएगी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, जॉन ऑस्टिन बताते हैं कि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होता है वो यही होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल सिस्टम है वो सॉवरन है, उनके ऊपर भी किसी की ऐसे कुछ इन सच कोई अथॉरिटी नहीं है, ये सुपरविजन इतना कुछ नहीं है, है ना। तो ये बोलता है कि द पावर बिहाइंड द लीगल सॉवरेनिटी, द रियल पॉलिटिकल पावर दैट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल्स लीगल अथॉरिटी। तो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वही तो लीगल अथॉरिटी को भी सपोर्ट कर रही है ना, अथॉरिटी एक दूसरे को देखती है। देखो, जो हमारा इंडिया है ना वो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पे चल रहा है। ये चीज तुम लोग आगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे कि हमारे यहाँ पे ना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपस में सुप्रीम है या ऐसा कुछ है। ये तीन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल, ये आपस में ही एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस रखते हैं पावर्स को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंशिएट है, तो हम इसका चार्ट देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हम ऊपर कवर कर चुके हैं तो डेफिनेशन में इसमें नहीं बताऊंगी। हम आगे देखते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है हमको इसकी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, पार्लियामेंट से मिलती है, कोर्ट से मिलती है।
ठीक है, बात हम लीगल की कर रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल में हमको मिलती है लोगों से, पब्लिक ओपिनियन से, पॉलिटिकल फोर्सेस से। ठीक है, जो लीगल सॉवरेनिटी है उसका नेचर जो है काफी फॉर्मल है और लीगली रिकॉग्नाइज्ड है। जो पॉलिटिकल है वो इनफॉर्मल है और डायनेमिक है, दैट मीन्स चेंज होता रहता है और फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग। इसका रोल क्या है? तो जो लीगल का रोल है वो है इन्फोर्स या इंटरप्रेटेट करना लॉस को। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का रोल क्या है? वो कंट्रोल करता है कि लॉस कैसे इन्फोर्स होंगे, है ना। एग्जाम्पल क्या है लीगल का इंडिया में, कि जो सॉवरेनिटी है, लीगल सॉवरेनिटी, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। मैंने आपको बताया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ है, उसको आप पढ़िए और आप लॉस बनाइए, आपको कुछ नया नहीं। पॉलिटिकल के एग्जाम्पल हैं कि इलेक्टोरेट जो है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।